हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन अवर ऑनलाइन क्लास। डियर स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर वेल एंड यू ऑल आर एंजॉइंग अवर ऑनलाइन क्लास। टुडे वी विल डिस्कस हियर अवर लास्ट चैप्टर ऑफ द लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर बुक। द नेम ऑफ दिस बुक इज मैरीगोल्ड। इट इज द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक। हु विल बी निंगदो? सब्जेक्ट इंग्लिश, क्लास फिफ्थ। इट इज द लास्ट चैप्टर ऑफ योर लिटरेचर बुक। हु विल बी निंगदो, यानी राजा कौन होगा? Who will be Ningdo? यानी राजा कौन होगा? A king is a called Ningdo and the queen is called a Lima. जो राजा है उसको Ningdo कहा जाता है और and the queen is called Lima. और जो रानी है उसको Lima कहा जाता है। In Manipur, this is a story from Manipur about the qualities make a good ruler. ठीक है कि ये जो कहानी है ये बनाई गई है कहाँ? ये मणिपुर की कहानी है जिसमें बताया गया है कि जो क्वालिटी है, गुण है, ठीक है, मेक अ गुड रूलर, एक अच्छा शासक कौन बनाते हैं? अच्छे गुण। अगर आपके पास अच्छे गुण हैं तभी आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं, अच्छे किंग बन सकते हैं। तो वो चीज़ इसमें दिखाई गई है। तो फर्स्ट, लॉन्ग लॉन्ग एगो इन द लैंड ऑफ कांगला पीक इन मणिपुर, देयर लिव्ड अ Ningdo एंड अ Lima। दे वर लव्ड डियरली बाय द पीपुल। कि लॉन्ग, एक बहुत लंबी, बहुत पुरानी समय की बात है कि लैंड ऑफ कांगला पीक, जगह का नाम था कांगला पीक, कहाँ पर? मणिपुर में, जहाँ पर क्या था, दे आर लिव्ड, वहाँ पर रहते थे एक Ningdo और एक Lima, एक राजा और एक रानी रहा करते थे और उनकी प्रजा के द्वारा राजा और रानी को बहुत प्यार दिया जाता था। द Ningdo एंड Lima ऑफ ऑन देयर पार्ट नेवर स्टॉप थिंकिंग अबाउट देयर मियाम, their people or Miam should be happy, they said. ठीक है, Miam शब्द आया है यहाँ पर, Miam शब्द यानी प्रजा। ठीक है, the Ningdo and Lima are their part of never stopped। ये जो वहाँ के राजा और रानी थे, कौन कौन? Ningdo और Lima, ये दोनों हमेशा अपनी प्रजा के बारे में सोचते रहते थे। दे हमेशा उनका ध्यान कहाँ रहता था? अपनी प्रजा पर रहता था कि हमारी प्रजा का किस प्रकार से हम उनका वेलफेयर कर सकते हैं, यानी उनका भला कर सकते हैं, क्या उनके लिए राइट है, क्या उनके लिए रॉन्ग है, तो क्या हमें उनके लिए करना चाहिए। तो एक अच्छे शासक, एक अच्छा राजा की तरह वो क्या करते थे, हमेशा अपनी प्रजा के लिए सोचते रहते थे। द पीपुल वर नॉट ओनली वंस टू लव देयर Ningdo एंड Lima, द बर्ड्स एंड एनिमल्स टू लव देम। द Ningdo एंड Lima ऑलवेज सेड, एवरीबडी इज कांगला पीक शुड लिव इन पीस, नॉट ओनली अ पीपुल बट द बर्ड्स एनिमल एंड ट्रीज। अब ये नहीं कि राज्य के जो लोग थे, उनके जो राजा के राज्य के जो लोग थे वही उनसे प्यार नहीं करते थे, उनके साथ साथ लोग तो प्यार करते ही करते थे, वहाँ के अपने राजा और रानी का सम्मान करते थे, उनका प्यार करते थे। इसके अलावा वहाँ के जो जानवर थे, पशु थे, पेड़ पौधे थे, वो भी वहाँ संपन्न थे, यानी वो भी खुश थे राजा और रानी से। वहाँ के जानवर जो थे वो बहुत प्यार करते थे अपने जानवर तक, बहुत प्यार करते थे अपने राजा और रानी से, यानी उस क्षेत्र में संपन्नता थी। जो राजा था वो खुश था, अपनी प्रजा को बहुत प्यार करता था, इसीलिए वहाँ की सब कुछ संपन्न था। वो अपनी वनस्पति हो, एनिमल्स हो या वाइल्ड एनिमल्स हो, फॉरेस्ट हो, सबका बहुत ख्याल रखता था, जिस वजह से वो बहुत पॉपुलर था और सब लोग उससे बहुत प्यार करते थे। और वो हमेशा प्रार्थना करता रहता था, क्या करता, एवरीबडी इन द कांगला पीक शुड बिलीव इन पीस, कि भगवान करे कांगला पीक जो मेरा राज्य है, यहाँ के लोग हमेशा कैसे रहे, हमेशा शांति से जिए, इनके बीच कभी भी तनाव ना हो, किसी भी प्रकार की लड़ाई ना हो, कभी किसी के क्या है, मतभेद ना हो, ठीक है, तो हमेशा शांति रहे। नॉट ओनली अ पीपुल, अकेले क्या है, सिर्फ जानवर, सॉरी आदमी ही नहीं, जानवर भी, बट द बर्ड्स एनिमल एंड ट्रीज, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो या पेड़ पौधे हो, हमेशा सब क्या रहे, हरे भरे रहे, खुश रहे, संपन्न रहे। तो ये राजा और रानी हमेशा प्रार्थना करते रहते थे भगवान से, ठीक है, इसी वजह से वो पॉपुलर भी थे और लोग उनको प्यार भी करते थे। देयर बिलोव्ड किंग एंड क्वीन हैड थ्री सन्स, संजोवा, सन्यामा एंड द संतोबा। तो देखो, उनके तीन पुत्र थे, कौन कौन थे, संजोबा पहला था, संजोबा, ठीक है, और दूसरी थी सनाइमा, दूसरी क्या थी, सनाइमा उनकी जो, एंड द नेक्स्ट था संतोबा। तो ये उनके क्या थे, तीन बेटे थे, संजोबा, सनाइमा एंड द संतोबा, तो ये उनके तीन बेटे थे। 20 years लेटर अ डॉटर वॉज बॉर्न, और 20 साल बाद, इन बेटों के 20 साल बाद उनकी एक बेटी भी पैदा हुई। सी वॉज नेम्ड संतोबिया, और उसका नाम क्या था, संतोबिया था, तो उनकी बेटी भी हुई, यानी अब टोटल उनके
जो कितने बच्चे थे, चार थे, संजोबा, सनाइमा एंड द संतोबा, एंड द बेटी का नाम संतोबिया। सी वॉज द लवली चाइल्ड, सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल इन साइड, सी वॉज लव्ड बाई वन एंड ऑल। वो उनकी जो बेटी थी संतोबिया, वो बहुत ही सुंदर थी। कहाँ से? बाय नेचर, अपने व्यवहार से वो बहुत प्यारी थी, लोग उसको बहुत प्यार करते थे। सी वॉज लव्ड बाय वन एंड ऑल, हर एक व्यक्ति उससे बहुत प्यार करता था। वो खुद भी ऐसे अच्छे मिजाज की थी, सबके साथ वो प्रसन्नता से रहती थी। द ईयर्स वेंट बाय एंड द चिल्ड्रन ग्रू अप वेल, एंड देन वंस डे द निंगथो कॉल्ड ऑल हिज मिनिस्टर एंड सेड, इट इज नॉट टाइम, इट इज नाउ टाइम टू डिसाइड टू तुंगी निंगथो द फ्यूचर किंग। तुंगी निंगथो यानी राजकुमार चुनने का टाइम हो गया, कि अगला जो भविष्य का राजा होगा वो कौन होगा। तो दे वेंट बाय, समय बीतता गया, बच्चों की अच्छी परवरिश होती गई, ठीक है। पर एक दिन राजा ने अपने सारे मिनिस्टर को बुलाया और कहा, सेड इट इज नाउ, ये अब समय हो गया है टू डिसाइड, ये निर्णय लेने का कि तुंगी निंगथो कौन होगा, यानी फ्यूचर का जो राजा बनेगा मेरे बाद वो कौन बनेगा उसका डिसाइड कर लेते हैं। द मिस्टर वर शॉक्ड, बट ओम निंगथो व्हाट इज निंगथो व्हाट इज देयर टू डिसाइड, संजोबा योर एल्डर सन विल बी आवर फ्यूचर किंग। तो उन्होंने अपने सारे मिनिस्टर को बुलाया और कहा कि बताओ कौन हमारा अगला राजा होगा। तो जितने भी जो मिनिस्टर थे, मंत्रीगण थे, राज्य के दरबारी थे, लोग थे, वो क्या हुए, शॉक हो गए कि यार राजा जी क्या बात कर रहे हैं। हमेशा तो यही होता है कि जो क्या है बड़ा वाला बेटा है वही राजा बनेगा। तो उन्होंने भी यही कहा, व्हाट इज देयर टू डिसाइड, इसमें सोचना क्या है महाराज, संजोबा योर एल्डेस्ट सन, संजोबा जो आपके बड़े बेटे हैं विल बी आवर फ्यूचर किंग, संजोबा जो आपके बड़े बेटे हैं वो क्या होंगे, हमारे अगले राजा होंगे। इसमें सोचने वाली क्या बात है, आपका बेटा है बड़ा वाला तो उसका अधिकार है गद्दी पर, इसलिए वही बनेगा। तो इस बात पर राजा ने कहा, वेल द निंगथो रिप्लाइड, राजा ने कहा अच्छा ठीक है, दैट्स हाउ इट हैपन्ड इन द ओल्ड डेज, द एल्डेस्ट सन ऑलवेज बिकेम द किंग, बट टाइम हैव चेंज, सो लेट एस सेलेक्ट किंग हु मोस्ट वर्थी ऑफ बिकमिंग अ किंग। देखो, तो फिर राजा ने इस बात पर कहा, क्या कहा, द निंगथो रिप्लाइड, राजा ने जवाब दिया, दैट्स हाउ इट हैपन्ड, यह कैसे हो सकता है, ठीक है, इट इज द ओल्ड डेज, ये तो पुरानी बात है, ये तो बहुत पुरानी बात है, द एल्डेस्ट सन ऑलवेज बिकेम द किंग, जो बड़ा बेटा था वो हमेशा राजा बनता था, ये तो पुराने समय की बात है। अब क्या है, ठीक है, अब क्या है, बट टाइम हैव चेंज, समय बदल चुका है, सो लेट एस सेलेक्ट द किंग हु इज मोस्ट वर्थी एंड बिकमिंग अ किंग। ठीक है, राजा ने कहा कि अब समय बदल चुका है कि बड़ा बेटा राजा बनेगा, ऐसा नहीं होगा, राजा कौन बनेगा, ठीक है, कौन बनेगा राजा, बट टाइम हैव चेंज, सो लेट अस सेलेक्ट द किंग हु इज मोस्ट वर्थी, यानी जो मोस्ट वर्थी यानी लायक, जो सबसे ज्यादा लायक होगा वही क्या बनेगा, राजा होगा, बिकमिंग अ किंग। एक अच्छे राजे की सोच थी कि जो सबसे ज्यादा गुण जिसमें होंगे, जो सबसे ज्यादा लायक होगा इस पद के लिए वही राजा बनेगा, ये नहीं कि मेरा बेटा जो बड़ा बेटा है वही राजा बनेगा, नहीं, जिसमें क्वालिटी है वही राजा बनेगा। ठीक है, एक्चुअल में ये क्या थी, सही भी थी। तो राजा ने अपनी सलाह दी कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, वही राजा बनेगा जो क्या है, मोस्ट वर्थी है, यानी सबसे ज़्यादा लायक है। वी विल हैव अ कॉन्टेस्ट टू सेलेक्ट द फ्यूचर किंग, द लीमा सेड, एंड सो इन द लैंड ऑफ द कांगली पीक देयर वॉज अ कॉन्टेस्ट अ हॉर्स रेस। ठीक है, और इस प्रकार क्या हुआ कि रानी ने फिर जवाब दिया कि वी विल हैव टू कॉन्टेस्ट, हम क्या करेंगे, एक प्रतियोगिता रखेंगे जिसमें ये निर्णय लिया जाएगा कि सबसे ज्यादा लायक कौन है इस गद्दी के ऊपर बैठने के लिए। ठीक है, सो और इसीलिए क्या होगा, कांगला पीक देयर वाज अ कॉन्टेस्ट अ हॉर्स रेस, और फिर एक घुड़सवारी का क्या हुआ, कॉन्टेस्ट रखा गया, एक प्रतियोगिता रखी गई घुड़सवारी का। हुई बार रीच द, ठीक है, कांगा द बनियन ट्री फर्स्ट वुड बी डिक्लेयर्ड तुंगी निंगथो। तो फिर ठीक है, कनगाना वहां पर जो पेड़ था, हाउ एवर रीच द कनगानन द बनियन ट्री, वहां पर एक बनियन ट्री था और ये डिसाइड हुआ कि उस बनियन ट्री तक जो सबसे पहले पहुंचेगा, फर्स्ट वुड बी डिक्लेयर्ड द तुंगी निंगथो, उसी को ही तुंगी निंगथो यानी उसको ही भविष्य का राजा घोषित कर दिया जाएगा, जो उस रेस में फर्स्ट आएगा तो उसी को क्या बनाया जाएगा, राजा बनेगा। बट देन द स्ट्रेंज थिंग हैपन्ड, संजोबा सनाइमा
एंड संतोवा ऑल थ्री ऑफ देम फिनिश देयर रेस टुगेदर। ठीक है, और अब घुड़सवारी की तो रेस रखी गई थी, वहाँ प्रतियोगिता रखी थी, पर हुआ क्या, तीनों जो बेटे थे संजोबा सनाइमा एंड संतोबिया, तीनों ने जो घुड़सवारी की रेस थी एक साथ फिनिश करी, यानी तीनों ने इक्वल टाइम पर फिनिश करी। ठीक है, ऑल थ्री ऑफ द फिनिश द रेस टुगेदर दे वर एक्सपेक्ट, ठीक है, राइडर्स एंड ऑल देयर रीच्ड द फिनिश लाइन एट द सेम टाइम, और वे तीनों के तीनों फिनिश लाइन पर एक साथ पहुंचे। तो अब किसको फ्यूचर का राजा डिसाइड किया जाएगा, लेट्स सी। देयर वॉज ग्रेट एक्साइटमेंट लुक एट देम, सबकी बहुत आश्चर्यचकित थे लोग ये देखकर कि हमारे जो तीनों राजकुमार हैं बहुत ज़्यादा क्या है, सिमिलैरिटी है सब में और बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। द पीपुल शाउटेड, ठीक है, संगोल संगोल, ठीक है, संगोल थाम्बा नूपा, ठीक है, क्या चिल्ला रहे थे लोग, संगोल थुम्बा नापा, यानी ठीक है जय जयकार कर रहे थे कि राजकुमार की जय हो, राजकुमार की जय। सच फाइन हॉर्समैन, कि कितने साफ कितने बढ़िया, ठीक है, घुड़सवार हैं जो इतने बढ़िया से क्या कर रहे हैं, घुड़सवारी कर रहे हैं। बट वन क्वेश्चन रिमाइंड, फिर वही क्वेश्चन दोहराया गया, कि वही क्वेश्चन दोबारा आ गया था कि हु वुड बी द ठीक है टुंगी निंगथू, अगला राजा कौन होगा। अब तीनों ने रेस एक साथ खत्म करी है तो अगला राजा कौन होगा। द निंगथू एंड द लीमा टर्न टू देयर सन्स, ठीक है, और फिर निंगथू और लीमा, राजा और रानी अपने बेटों के पास गए। द निंगथू सेड, राजा ने कहा, संजोबा सनाइमा एंड संतोबा, यू हैव प्रूव्ड दैट यू आर फाइन हॉर्समैन, कि तुम तीनों ने यह प्रूफ कर दिया है कि तुम एक बहुत अच्छे घुड़सवार हो। ठीक है, डू समथिंग डिफरेंट ईच वन ऑफ यू सो दैट वी कैन डिसाइड हु विल बी टुंगी निंगथू। अब राजा ने उनसे कहा कि आप तीनों तो बहुत अच्छे घुड़सवार हो, कुछ ऐसा करके दिखाओ कि हमें ये निर्णय लेने में आसानी हो कि अगला राजा कौन बनेगा। ठीक है, सडनली संजोबा माउंटेड हिज हॉर्स एंड हेल्ड हिज स्पेयर स्ट्रेट इन द फ्रंट ऑफ हिम, ही लुक्ड अराउंड, देयर वाज, ठीक है, हर्ड्स अमंग पीपुल, व्हाट इज संजोबा द एल्डेस्ट गोइंग टू डू, दे थॉट ऑफ देमसेल्फ। ठीक है, और इस प्रकार क्या हुआ, सडन अचानक जो उनका बड़ा बेटा था संजोबा माउंटेन, यानी ठीक है, पीछे घोड़े पर चढ़ा, हिज हॉर्स एंड हेल्ड इज स्पेयर, उसको ठीक है कुछ भूला और कि हाँ पीछे ले गया, स्ट्रेट सीधा ले गया, इन फ्रंट ऑफ हिम, उनके सामने से, he looked around, उसने चारों तरफ देखा, there was hush among people, वहाँ पे सब लोग शांत हो गए थे कि जो हमारे बड़े राजकुमार है संजोबा वो क्या करने वाले हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ, he pressed through themselves, संजोबा then looked at the hues, ठीक है, खनगानिंग स्टैंडिंग मैजेस्टली इन द डिस्टेंस, ही प्रिस्ड द ट्री एंड जम्प्ड हैज हॉर्स राइट थ्रू इट। ठीक है, फिर उसने तभी जो संजोबा था उन्होंने देखा, क्या देखा, यूज खंगोनंग, यानी वहाँ पे एक बनियन जो पेड़ था उसको वहाँ पर दिखाई दिया, स्टैंडिंग मैजेस्टली, एक मतलब शानदार तरीके से वहाँ पर क्या हुआ था, खड़ा था, इन द डिस्टेंस कुछ दूरी पर, ही प्रिस्ड, ठीक है, उसने क्या किया, चुभाया द ट्री एंड jumped and horse right through it, ठीक है, उसने क्या किया, वहाँ पर एक पेड़ की जो एक पेड़ था, छोटा सा पेड़ था बनियन का, उसको उठाया, उसको लाया और एक बीच सेंटर में चुभोया और उसके ऊपर से अपने घोड़े को क्या करा, कूदाया, कि मैं इतना अच्छा अपने घोड़े को कूदा सकता हूँ, तो उसके ऊपर, ठीक है, चुभा, प्रिस्ट द ट्री, उसने उस पेड़ को वहाँ पर चुभाया एंड जम्प्ट हिज हॉर्स राइट थ्रू इट, उसके ऊपर से अपने घोड़े को कूद के दिखाया। ठीक है, तो ऐसे संजोबा ने किया। अब क्या हुआ, ब्रेबो ब्रेबो द पीपुल शाउटेड, लोग चिल्लाए बहादुर बहादुर, थुरो थुरो एंड द दे ऑल दे फेल साइलेंट। ठीक है, उन्होंने बहादुर बहादुर चिल्लाया और उसके बाद कहा कि जय हो का नारा लगाते हुए फिर से साइलेंट हो गए। फिर नेक्स्ट क्या हुआ, नाउ इट वाज द टर्न ऑफ द सेकंड सन, ये बारी थी अब दूसरे नंबर के बेटे की, सनाइमा की, किसकी, सनाइमा का। व्हाट वुड ही डू, उन्होंने क्या किया, सनाइमा टू लुक्ड एट द कोंगाना एज द माउंटेन हिज हॉर्स, देन ही टू रोड टूवर्ड्स द ट्री, उसने भी देखा कि क्या है, ठीक है, माउंटेन पहाड़ लेके आया किसका, एक उसको पहाड़ पे लेके गया अपने घोड़े को, देन ही टू रोड, उसने उनको दौड़ाया टूवर्ड्स द ट्री, ट्री के सीधे सामने की तरफ से दौड़ाया, हार्डर एंड हार्डर, और तेज कर उसने अपने घोड़े को दौड़ाया किसकी तरफ, उस पेड़ की तरफ जो वहाँ पर चुबाया गया था। ठीक है,
चुभाया गया था वहां पर. देन पीपुल वॉच्ड, लोगों ने देखा. इन साइलेंस अफ्रेड इवन टू ब्रीथ, ठीक है, लोग अपनी सांस को रोक के डरे हुए सहमे हुए क्या कर रहे थे, उनको देख रहे थे. व्हेन ही वाज रियली क्लोज्ड, जब वह उसके नजदीक आया, ही ठीक है अर्ज्ड हिज हॉर्स टू जंप, ठीक है, उसने बहुत तेज जोर से अपने घोड़े को उसके ऊपर से क्या किया, दौड़ाया. हायर एंड हायर देन हॉर्स रोज अंटिल हॉर्स एंड राइडर जंप्ड क्लियर ओवर द ह्यूज ट्री एंड लैंडेड ऑन द अदर साइड ऑफ द वंडरफुल माउंटेन, ठीक है. इस प्रकार उसने बहुत तेज करके दौड़ के आया और एक बहुत ऊंची छलांग के साथ उस पेड़ के ऊपर से सीधे पेड़ के दूसरी तरफ निकल गया. बहुत अच्छी शानदार लैंडिंग उन्होंने करी वहां पर, अदर साइड टू वंडरफुल मोशन, एक अच्छे खासे मोशन के साथ क्या है वो पेड़ के दूसरी तरफ पहुंचे, ठीक है. द पीपुल ब्रीथ द रिलीफ एंड द सैड द अनशीन फजाय फजाय, लोगों क्या एक स्वर में कहने लगे. अनशीन यानी एक अनशन यानी एक ही स्वर में लोगों ने कहा फजाए फजाए, वंडरफुल वंडरफुल, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, लोग उनके तारीफ में कहने लगे, सेकंड बेटे की तारीफ में कहने लगे. एंड नाउ इट वाज द टर्न ऑफ द यंगेस्ट वन, अब बारी थी सबसे छोटे बेटे की, संतोबा की. ही टू रोड हिज हॉर्स टुवर्ड्स द कंगाना, उसने भी जो उस जो पेड़ था ठीक है खोंगानांगा का उसकी तरफ दौड़ाया. बिफोर एनीबडी न्यू, इससे पहले कि कोई जान पाता व्हाट वाज हैपनिंग कि क्या होने वाला है, अपरूटेड इट थ्रूफेंटली ही क्राइड द ट्री द निंगथू एंड लीमा लैंड एट द देयर फीट, साउट्स ऑफ थ्रो थ्रो फजाए फजाए फिल्ड द माउंटेन्स. इस प्रकार उन्होंने भी क्या किया, उस पेड़ के ऊपर से भी अपने घोड़े को क्या करा, उसकी तरफ दौड़ाया. इससे पहले कोई सोच पाता, इतनी तेज गति से उन्होंने अपने घोड़े को उसके पार करा दिया था और लोग चिल्लाने लगे थुरो थुरो फजाए फजाए फिल्ड द माउंटेन्स, और लोग पहाड़ भर गया था. द पीपल ग्रू रेस्टलेस, ठीक है, व्हाई वर द निंगथू एंड द लीमा टेकिंग सो लॉन्ग द मेक द अनाउंसमेंट. और फिर इस प्रकार लोग ये चर्चा करने लगे कि राजा और रानी इतना ज्यादा समय क्यों ले रहे हैं इस बात को लेकर कि कौन अगला राजा होगा. देख ठीक है, दे क्रेंस देयर नेक्स टू सी व्हाट हैपनिंग, उन्होंने अपनी गर्दन घुमाई कि क्या होगा. द निंगथू एंड लीमा वर वॉचिंग संतोबिया, राजा और रानी क्या है अपनी बेटी संतोबिया को देख रहे थे. देयर फाइव ईयर ओल्ड डॉटर, उनकी जो 5 साल की बच्ची थी, छोटी बेटी थी, सी लुकड सैड, वहाँ क्या दुखी नजर आ रही थी, एंड लोनली अकेली भी नजर आ रही, जहाँ सब लोग अपने कॉन्टेस्ट का आनंद ले रहे थे, राजकुमारों की घुड़सवारी का आनंद ले रहे थे, वहीं वो बच्ची अकेले नजर आ रही थी. सी लुकड सैड एंड लोनली, सी स्टार्टेड द खोंगाना विच ले ड्रेड बाय द थ्रोन, बर्ड्स फ्लैप्ड वंडरली अराउंड द सर्चिंग फॉर देयर होम्स इन द ट्री, ठीक है. और फिर वो जो पेड़ वहाँ पर उन्होंने चुभाया, उखाड़ के चुभाया था, जिसके ऊपर से बारी बारी करके उन्होंने अपने घोड़ों को क्या करा था, कुदाया था, वो उस पेड़ के ऊपर पास गई, उसको देखा और दुखी थी. क्यों दुखी थी, कि वो पूरी तरीके से डेड हो चुका था. सी लुकड सैड, ठीक है, डेड बाय द थ्रोन्स, उस घुड़सवारी के कारण वो क्या डेड हो चुका था. बर्ड्स फ्लैप्ड वंडरली अराउंड सर्चिंग, जो चिड़िया थी वो उस पेड़ के चारों तरफ क्या हो रही थी, हैरानी से क्या कर रही थी, उड़ रही थी. क्यों, वर्ल्डली अराउंड सर्चिंग फॉर देयर होम्स, वो अपने घरों को ढूंढ रही थी, क्योंकि उस पेड़ पर उनके क्या थे, घर थे, जो पूरी तरह से उस रेस में डिस्ट्रॉय हो चुके थे, ठीक है. संतोबिया वॉकड अप टू द खोंगाना एंड द विस्पर्ड, और वो उसकी तरफ बड़ी और धीरे से कहने लगी, द खोंगाना इज डेड, इट इज वॉज हर्ट बाय द स्पेयर एंड नाउ इट इज डेड, कि ये क्या हो चुका है, अब मर चुका है. द पीपुल वर ऑल अटेंशन, जो लोग थे सब उसको ध्यानपूर्वक देख रहे थे, उस छोटी 5 साल की बच्ची को. द निंगथू स्टूड अप, राजा खड़ा हुआ. ही लुकड एट द थ्री बॉयज, उसने अपने तीनों बेटों को देखा. ही लुकड एट द लिटिल गर्ल, उसने अपनी छोटी बेटी को भी देखा. ही टर्न टू द पीपुल, और फिर वो लोगों की तरफ घूमा, उसने कहा, अब राजा ने कहा, अनाउंसमेंट होने वाली है कि काय की, कि अगला राजा कौन होने वाला है, ठीक है. इफ नोबडी इज वर्थी ऑफ बिकमिंग द रूलर, कि इन तीनों में से कोई भी नहीं है जो राजा बनने योग्य है, यानी इन तीनों में ऐसी कोई, ठीक है, कोई किसी में इतने गुण नहीं है कि जो राजा बनने हो. ही सैड, उसने कहा, इट इज द लिटिल संतोबिया, इट वॉज शी हू, ठीक है, कि यह है,
इट इज द लिटिल संतोबिया, यह है हमारी जो छोटी बेटी संतोबिया। इट वॉज सी हु, जो होगी, टोल्ड अस टू लुक एट द सॉल ऑफ द कंगाना, ये जो हमारी छोटी बेटी है इसने देखी सॉल यानी आत्मा, किसकी, इस पेड़ की आत्मा को। संतोबिया फील्स द पेन ऑफ अदर्स, जो संतोबिया है वही लोगों का दर्द समझती है। सी फील्स द पेन ऑफ पीपुल, ये लोगों को व्यक्तियों का क्या क्या दर्द महसूस करती है। एनिमल्स बर्ड्स एंड ट्रीज, ठीक है, चाहे वो पेड़ हो, पशु हो, पक्षी हो। आई डिक्लेयर संतोबिया द फ्यूचर लीमा ऑफ कांगला पीक, मैं डिसाइड करता हूँ किसको, फ्यूचर की लीमा किसको, संतोबिया को, जो मेरी छोटी बेटी है, 5 साल की बेटी है संतोबिया, मैं इसको फ्यूचर की लीमा यानी रानी घोषित करता हूँ अपने इस राज्य की, कांगला पीक की। देन ठीक है, निंगथू सेड, राजा ने कहा, अ साइलेंस फेल, एवरीवन टर्न टू लुक एट द लिटिल गर्ल द फ्यूचर क्वीन, सब चारों घूमे और उस छोटी सी बच्ची को देखने लगे जो क्या थी, अब फ्यूचर की रानी होने वाली थी। देयर शी स्टूड, तब वे उठे, ऑल ऑफ फाइव लाइक अ स्मॉल कंगाना विद बर्ड्स फ्लाइंग ऑल अराउंड हर, चारों तरफ से सारी पक्षियाँ उसके चारों तरफ घूम रही थी उस छोटी सी बच्ची की तरफ, ठीक है। दे सेट ऑन हर शोल्डर्स, वे उसके कंधों पर बैठे, एंड ऑन हेड, उसके सर पे, सी हेड आउट हर हैंड्स फुल ऑफ ग्रेन एंड द बर्ड्स फ्लैप्ड अबाउट हर पैकिंग एट द फूड, अ लीमा इज वन हु डजंट हर्ट एनीबडी इन द किंगडम, और वह वो लड़की थी जो फ्यूचर में वहाँ की रानी बनी और जिसने कभी किसी को हर्ट नहीं किया। ओके स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल। आई विल प्रोवाइड अ PDF रिलेटेड टू दिस चैप्टर इन योर क्लास ग्रुप। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।